के माननीय तरुण सिन्हा। सबसे गुजारिश है कि आप सब कौमी तराने की ताजीम में खड़े हो जाएं। जुड़ा है पिछले तीन सफर में पद प्रशस्त करने के लिए, हमारा रास्ता आसान बनाने के लिए यही दीप यही शमाएं साबित होती है। माननीय उपराज्यपाल ने दीप प्रज्वलित किया। अब चेयरपर्सन जिले दरों के आदि काउंसिल बारामुल्ला मोहतरमा सफीना बेग जी दीप प्रज्वलित कर रही हैं। मेहमान मौजूद हैं माननीय उपराज्यपाल के साथ ड्रेस पे, वो अपने अपने हाथों से, और रोशनी का जो हमारा पैगाम है कि दिए से दिए को जलाते चलो, वही यहाँ पे एक दीप की रोशनी से रोशनियों का कारण भी बनना बहुत यादगार साबित है। जी हाँ जी, नॉर्थ कश्मीर विवेक गुप्ता जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इससे प्यार मिला डॉक्टर सैयद सैनिश असकर ने दीप एसएसपी बारामुल्ला श्री अमोद अशोक जी। यही बात है सर कि आपने आज अपने मसरूफ शेड्यूल में से इस तकलीफ के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सर, आप जब भी हमारे जिले में आते हैं तो हमारा हौसला और खिदमत खल का जज्बा और बढ़ जाता है। जिले के हर शोबे में आपकी शिरकत यही साबित करती है कि अ लीडर इज वन हु लीड्स विद एक्शन नॉट जस्ट वर्ड्स and one who means every word he says. In today's function also, sir, we are again realizing another of your dream, that is providing a platform to the people of Baramulla where not just entertainment can be provided but also infotainment, encouragement to art, culture will be possible. इस institution में 1200 students का enrollment है और 31 एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स जो हैं वो इस क्लस्टर में 9 लाख की लागत से बना है। इस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 100 पार्टिसिपेंट्स की है। सर, हमारा तीसरा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम है अचबल दोआबका की, जो एक पिछले 2.5 साल से लीड कर रहे हैं जब से इसका इंसेप्शन हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर एक्सलेंस अवार्ड इस बार यूनियन टेरिटरी को मिला, आपकी काउंसिल का आपकी कोशिशों का नतीजा है। एनसी साहब की सदारत में उनकी लीडरशिप में जो ऐसा मुमकिन हो पाया है, तो मैं आपको बार-बार पेश करती हूँ कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो और उसमें जितना आपको पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से मैं कहूँगी उस सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उस सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मिलजुल के जो है इस मिशन को आगे ले जाना है। पीस, पीसफुल लाइफ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, और ये प्रेयर हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों के लिए की थी लास्ट वीक। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, बस हमको इंसान से यही चाहिए। इसके लिए हम आपका पूरा सपोर्ट हमारा आपके साथ रहेगा। तो बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, डोलीपुरा, वडेराबाग, पंजुला, अचबल, दोयाबाग की वाटर सप्लाई स्कीम उन इलाकों के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन रेखा साबित होगी। तो सोच में भी वही एक नगमा है, सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में है, फर्क नजदीक की और दूर की आवाज में है। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है, मेरी आवाज में शामिल तेरी आवाज भी है। हजारों ऐसे परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी, मस्जिद पर छत थी, दूसरी तरफ गैर कानूनी ढंग से इलीगल तौर से
सरकारी जमीनों पर लाखों कैनाल जमीनों पर कब्जा करके कुछ चंद लोगों ने अपने महल बनाए और वो भी अपने पैसे से नहीं, उसकी कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वक्त बदल गया है, अब जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता में, जैसा अभी चेयरमैन साहिबा कह रहे थे पसमांदा लोग, जो गरीब है जो कमजोर है वही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वही रहेगी, इसमें कोई इसे बदल नहीं सकता।